This conference will now be recorded. हम क्लास जो है वो अपनी इवनिंग में कर लेते हैं आज. सो बिफोर वी स्टार्ट, कल के टॉपिक के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर वी विल डिस्कस द टॉपिक इन फ्यू मिनट्स. कल हमने अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स डिस्कस कर ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पे थोड़ी बात करेंगे, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है इस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, और इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड डिसइक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं इफ टाइम अलाउज. ठीक है, This conference will now be recorded. अच्छा जी, ओके बच्चों, तो टॉपिक है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का. चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर. लेट द पीपल जॉइन बाय द टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टैग्नेंट? स्टैग्नेंट किसे कहते हैं? लव स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, गुड, इमूवेबल, व्हेन समथिंग स्टॉप्स मूविंग. वेरी गुड. तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पैदा होती है जब किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बढ़ ना रही हो, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है That is at a lower level than it could be. यानी जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे वो नहीं होती. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बहुत सारी वजूहात होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का एक फीचर होता है अंडर यूज्ड रिसोर्सेज. कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वो रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. लैंड और कैपिटल इक्विपमेंट मौजूद है बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड. अनएम्प्लॉयमेंट हाई है. There is little or no new capital investment, or companies do not want to invest large amounts of money because they believe that there would be no satisfactory returns. Ab, interestingly, let's suppose Pakistan ka GDP jo hai, wo, for example, that was like या लेट्स से पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो थी फॉर एग्जांपल 2017 में दैट वाज $20 फॉर इंस्टेंस. ठीक, और 2017 में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी दैट वाज फॉर एग्जांपल $25. 2018 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी $20 ही रही, सेम रही. हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं की. लेकिन इसके बरक्स इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है फॉर एग्जांपल वो $25 से बढ़ के वो चली गई है $30 के ऊपर. तो अब अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमारी जो इकोनॉमी है वो सेम लेवल पे रही है, इट हैज रिटेन्ड. लेकिन अगर आप रिलेटिवली देखें, इफ यू लुक एट द रिलेटिव कंपैरिजन, यू हैव गॉट पुअरर. इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि जब किसी एक मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और आपकी इकोनॉमी वहीं की वहीं खड़ी हो, तो आपकी इकोनॉमी बेसिकली खड़ी नहीं होती, आपकी इकोनॉमी जो है वो रिलेटिवली डिक्लाइन कर रही होती. ठीक है ना? तो जब एक कंट्री या एक रीजन व्हेन दे सफर फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जब कोई मुल्क या कोई रीजन जब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का शिकार होता है, तो वो एब्सोल्यूट टर्म में तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो मूव नहीं कर रही है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट है. लेकिन अगर आप इसे रिलेटिव टर्म्स में देखें, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेटिव टर्म्स, तो यू आर एक्चुअली गेटिंग पुअरर, आप गरीब हो रहे हैं. ठीक है. अच्छा, पाकिस्तान की अगर आप एग्जाम्पल लें तो एग्जैक्ट यही सिचुएशन पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ती जा रही है.
इसकी वजह से फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं दूसरी कंट्रीज में, एंड वी प्रेफर टू मूव टू दैट टू दोज कंट्रीज जहाँ पे हमें लगता है कि इकोनॉमी बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल, वी प्रेफर टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, वी प्रेफर टू मूव टू कैनेडा, वी प्रेफर टू मूव टू यूएसए, ठीक है ना. तो डिप्रेस्ड कंट्रीज जो होती हैं, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को सफर करती हैं, इनको फिर वेल्दियर इकोनॉमीज फिर हेल्प करती हैं सो दैट दे कैन ब्रिंग देम आउट, दे कैन ड्रैग देम आउट ऑफ द डिप्रेशन. ये हेल्प कैसे की जाती है, इसको आगे जाके देखते हैं. इसमें फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसमें फिर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आप इनिशिएट करते हैं उन ममालिक में. सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन हेल्प अ रिलेटिवली पुअर कंट्री टू टैकल और टू कोप विद इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. ठीक है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कहते हैं जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, एक जगह पे ठहर गई है, रुक गई है. तो वो कहने को तो वो ठहर गई है, कहने को तो वो रुक गई है, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्टॉप देयर. इन रिलेटिव कंपैरिजन इट इज डिक्लाइनिंग, रिलेटिवली वो गिर रही है, वो डिक्लाइन हो रही है. सो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स. ठीक है, जब ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया पे अप्लाई होता है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन जब आता है, इंटरेस्टिंगली, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जब पूरी दुनिया में, जैसे अभी ये 2007-08 से वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आया था, इमर्ज फ्रॉम अमेरिका, और अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स बाकी हैं. अभी तक दुनिया जो है वो उस रिसेशन से बाहर नहीं आ सकी. ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन सुना होगा आपने, 1930s में आया था शायद, द ग्रेट डिप्रेशन. तो ये ग्रेट डिप्रेशन जल्दी रिकवर कर गई थी दुनिया उसे. ये 2008-09 में जो रिसेशन आया था इकॉनमी में, विच वॉज एक्चुअली द आफ्टर शॉक्स ऑफ व्हाट अमेरिका डिड इन अफगानिस्तान एंड इराक, उससे अभी तक दुनिया बाहर नहीं आ सकी. अभी तक दुनिया में इसके आफ्टर शॉक्स बाकी हैं. तो बेसिकली जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ग्रो ना कर रही हो और पूरी दुनिया की एग्रीगेट इकोनॉमी डिक्लाइनिंग हो, देन व्हाट हैपेंस, फिर क्या होता है उस वक्त? फिर ये होता है कि कंट्रीज जो हैं वो फिर लड़ती हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, कंट्रीज फाइट विद ईच अदर एंड दे ट्राई टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट्स, दे ट्राई टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर एक्सपोर्ट्स. देखिए ना, आप जब अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट कम करने की कोशिश करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कम करने के लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको इम्पोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी. ना, जस्ट इमेजिन कि अगर पूरी दुनिया में हर मुल्क ये काम करने की कोशिश करे तो फिर एक्सपोर्ट कौन करेगा? बिकॉज अंडरस्टूड है ना कि एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स दूसरे की इम्पोर्ट्स हैं, ऐसा ही है ना. एक्सपोर्ट्स ऑफ वन कंट्री और इम्पोर्ट्स ऑफ द अदर कंट्री. तो अगर पूरी दुनिया में, जस्ट इमेजिन, अगर पूरी दुनिया में हर मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करे और इम्पोर्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, सो हु विल एक्सपोर्ट, कौन एक्सपोर्ट करेगा? इसे, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि जब कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी इकोनॉमीज को संभालने में लग जाती है, व्हेन कंट्रीज स्टार्ट प्रिजर्विंग देयर ओन रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज, ठीक है, तो इंडिविजुअल कंट्रीज जो हैं दे विल ट्राई टू इंक्रीज देयर ओन नेशनल इनकम. हाउएवर, इफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, एनी इंक्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी हैज गॉट टू बी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर नेशनल इकोनॉमीज. एक मुल्क की जो इकोनॉमी है वो दूसरे मुल्क की कॉस्ट पे आती है. द ग्रोथ इन द इकोनॉमी इज एक्चुअली कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ द अदर कंट्री. और जब हर मुल्क ये करेगा तो एक ट्रेड वॉर पैदा हो जाएगी, जिसे ट्रेड वॉर कहते हैं. ट्रेड वॉर कहते हैं रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट्स एंड ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स. और जब दुनिया में हर मुल्क अपनी अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा और इम्पोर्ट्स को कम करने की कोशिश करेगा, तो प्रोटेक्शनिस्ट
इकोनॉमी कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? फॉर दोज हु हैव जस्ट अराइव्ड, हमने स्टैग्नेशन से अभी डिस्कशन स्टार्ट की है फ्यू मिनट्स बैक। कल हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तक डिस्कस किया था, ठीक है। आज की डिबेट में हम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को डिस्कस करते हैं, हम प्रोटेक्शनिज्म को डिस्कस करते हैं, और हम स्लाइटली इंटरनेशनल पेमेंट्स और पेमेंट डिसिक्लिब्रियम पे आज बात करेंगे। जी बेटा मैं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई हैव एक्चुअली जस्ट स्टार्टेड। तो स्टैग्नेशन का मतलब ये होता है कि ठहर जाना, रुक जाना। जब एक मुल्क की इकोनॉमी ग्रो ना कर रही हो तो हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई। स्टेगनेंट होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, स्टेगनेशन के मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि ये रिवील करते हैं, ये जाहिर करते हैं कि इकोनॉमी स्टेगनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सम फीचर्स आर गिवन हियर, अंडर यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेस, दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ स्टेगनेशन, underused land and capital equipment, unemployment, little or no capital investment, companies are not willing to invest in large amount of money, companies jo hai wo mulk ke andar large amount of money invest karne mein interested nahi hai. So all of these are the factors or the features of stagnation. So duniya mein jab koi bhi country ya koi bhi region jab economic stagnation ka shikar hota hai to usse kya hota hai, uski economic growth ruk jati hai. Acha just ye maine yahan pe bhi example ek quote kiya hai ki for example Pakistan ki per capita income 2017 mein thi $20 aur India ki per capita income 2017 mein thi $25 for example. Ab agar Pakistani economy stagnation ka shikar hai to 2018 mein bhi Pakistan ki jo per capita income hogi that would remain at $20, but per capita income of India has now raised to $30, let's say. तो अब अगर absolute terms में देखा जाए, अगर absolute terms में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो economy है वो stagnant रही है, लेकिन अगर relatively देखा जाए, compare किया जाए, तो आप relatively poorer हो गए। ये ऐसा ही है कि आपकी salary 10,000 है और आपके दोस्त की salary भी 10,000 है, अगले साल आपके दोस्त की सैलरी 15,000 हो गई है, आपकी सैलरी 10,000 ही रही है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आपकी सैलरी पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कंपैरेटिव टर्म्स में आपकी सैलरी कम हो गई है, ठीक है। यस, दैट्स एन अदर वे टू पुट स्टेग्नेशन, जी, बट हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे। फहीम फहीम कह रहे हैं कि स्टेग्नेशन जो है दैट इज इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस चेजिंग ईच अदर, यस, दैट इज अगेन नॉट लेटिंग द इकोनॉमी ग्रो, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी एक दिस इज एन अ सेपरेट वे टू लुक एट स्टैग्नेशन, ये स्टैग्नेशन की तरफ देखने का एक अलग तरीका है। सो इफ यू आर अर्निंग 10,000, योर फ्रेंड इज अर्निंग 15,000 दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर यू आर अर्निंग द सेम बट योर फ्रेंड इज अर्निंग नाउ 20,000, तो आपकी बेसिकली अर्निंग एक्चुअली रिलेटिवली पुअर हो गई है। So you have become victim of relative poverty. आप relative poverty का शिकार हो गए, ठीक है? ये concept है। जिस country में economic stagnation होती है, फिर वो country दूसरी country से help लेती है ताकि वो वहाँ पे investments करें और उसकी economy को बेहतर करें। अच्छा, just imagine कि पूरी दुनिया, पूरी world economy जो है, वो recession से गुजर रही है। As a whole, aggregate economy of the world is declining. फिर क्या होगा? देखें, जब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें डाउनफॉल होता है तो फिर हर मुल्क अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करता है। बट व्हेन द इकोनॉमी एट द वर्ल्ड लेवल इज डिक्लाइनिंग, देन ग्रोथ इन अ सिंगल नेशनल इकोनॉमी विल कम एट द एक्सपेंस ऑफ द ग्रोथ इन एनी अदर इकोनॉमी। यानी फिर आपकी जो ग्रोथ है वो किसी और की के एक्सपेंस पे होगी, क्योंकि एग्रीगेट इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही दुनिया की, हर मुल्क की इकोनॉमी डिक्लाइनिंग में है। एंड इफ यू वांट टू ग्रो देन अदर्स माइट सफर। बिल्कुल हुई है बेटा हारून, ग्रेट डिप्रेशन 1930s, एनीवन हु नो अबाउट ग्रेट डिप्रेशन? और ये एक दफा हुई थी और अब दूसरी दफा अब हुई है रिसेंटली, 2007-08 में स्टार्ट हुई थी, अभी तक नहीं दुनिया बाहर आ सकी इससे। 2007-08 में ये जो अमेरिका ने जो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तबाह होने के बाद, 9/11 के बाद व्हेन दे अटैक एंड इन्वेड अफगानिस्तान एंड इराक, तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी तबाह हो गई थी। उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए 2007 में और 8 में, और 2007 और 8 में वर्ल्ड हैज एक्चुअली फेस्ड अ ग्लोबल डाउनटर्न इन द इकोनॉमी। दुनिया ने ग्लोबल डाउनटर्न फेस किया इकोनॉमी के अंदर। सर्च कीजिएगा, ग्रेट डिप्रेशन सर्च कीजिएगा, और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन 2007-8 सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन है। अच्छा, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरती है तो क्या होता है? फिर हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करता है। वो कैसे कोशिश करता है? अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट कम करके, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने इम्पोर्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन कि जब दुनिया का हर मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करेगा और इम्पोर्ट्स को कम करने की कोशिश करेगा, तो एक्सपोर्ट कौन करेगा? देखे ना, एक्सपोर्ट ऑफ वन कंट्री इज इम्पोर्ट ऑफ द अदर, वेरी सिंपल। तो जस्ट इमेजिन कि अगर दुनिया की हर मुल्क जो है, दुनिया का हर मुल्क अगर इम्पोर्ट बैरियर्स लगा दे, तो फिर एक्सपोर्ट कौन करेगा? इसे कहते हैं ट्रेड वॉर, इसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। व्हेन गवर्नमेंट मेजर्स आर टेकन टू डिस्करेज और प्रोहिबिट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। एंड जस्ट इमेजिन कि दुनिया की हर कंट्री इम्पोर्ट्स पे बैन लगा दे, तो फिर एक्सपोर्ट्स कौन करेंगे? ठीक है ना, ये आप कैसे बैन लगाते हैं? आप इम्पोर्ट टैक्सेस बढ़ा देते हैं, आप कोटा लिमिट सेट कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर, या आप सिंपली कुछ इम्पोर्ट्स को बैन कर देते हैं। यहाँ पे फिर WTO जैसे इदारे एक्शन में आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे एक्शन में आते हैं, विच इज अ सुप्रा नेशनल बॉडी, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। हाँ एग्जैक्टली, नाउ अ डेज चाइना एंड अमेरिका आर इन टू अ ट्रेड वॉर बिकॉज अमेरिका इज हाईली threatened by China being the next superpower of the world. America इस वक्त China से threatened है, ठीक है? And exactly, और इसलिए आजकल अमेरिका इसलिए भी पाकिस्तान को अच्छी अपनी गुड बुक्स में नहीं ले रहा, क्योंकि हम China के बहुत करीब हैं, और ये हमारा CPAC जो है, that is highly opposed by America. You know that? जो हमारा CPAC है ना, ये highly opposed by America है। इसमें अमेरिका का नुकसान है ना, इसमें अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि ये जो आपकी क्या इसे कहते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, हाँ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ऑब्वियसली, लेकिन अमेरिका बीइंग द प्रोमिनेंट वन ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ तो अमेरिका को होती है ना। और हल थैंक्स टू आर लीडर्स, आर पॉलिटिशियंस, के उन्होंने माशाल्लाह कर्जे ले लेके इस मुल्क को इतना वो बना दिया है, क्या उसे कहते हैं, मजबूर कि हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर हाईली इन डेट। ठीक है, एनी हाउ, ये तो डिबेट फिर लंबी हो जाएगी। तो WTO जैसे इदारे फिर एक्शन में आते हैं, और फिर वो आके फिर फ्री ट्रेड जोन्स को, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शनिज्म क्या होती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एंड हाउ इट कैन बी हैंडल्ड, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, ओके, एक और मैक्रो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट है जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है ये दो सूरतों में होती है, व्हेन यू पे बेस्ड ऑन ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेस, जिसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स का मतलब है कि एक मुल्क से करेंसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना, दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरनेशनल पेमेंट्स। इंटरनेशनल पेमेंट्स हैज टू मोड्स, दो मोड्स हैं। पहला मोड तो इट्स वेरी सिंपल, दैट इज द पेमेंट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेस। दूसरा मोड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज, जैसे चाइना अमेरिका में इन्वेस्ट करे या अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। नॉर्मली जब कंट्रीज के पास ट्रेड सरप्लस होता है, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसके दो आउटकम्स होते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, एक होता है ट्रेड सरप्लस और एक होता है ट्रेड डेफिसिट। हाँ, रियल डायरेक्ट फॉरेन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिसे हम FDIs भी कहते हैं। तो FDIs जो है
They are capital investments across the countries. ये across the countries capital investments होते हैं, यानी FDIs कहा जाता है। अच्छा आपने ये पढ़ा है ना, जब भी के बैलेंस ऑफ पेमेंट इधर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि सरप्लस है आपके पास, यू हैव यू नो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, आपकी इंपोर्ट्स कम है, आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, तो इट मींस कि आपके पास सरप्लस मनी मौजूद है। इसके बरक्स ट्रेड डेफिसिट कहते हैं जब आपके पास पैसा कम होता है, व्हेन यू हैव फ्यूअर अमाउंट ऑफ मनी ऑन हैंड, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको। नॉर्मली जब ट्रेड सरप्लस एग्जिस्ट करता है हाँ जी ट्रू 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 दैट हाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दैट इज एक्चुअली इधर इन सरप्लस और इन डेफिसिट एग्जैक्टली ठीक है दैट इधर देयर इज नेट आउटफ्लो और नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। जब किसी इकोनॉमी के अंदर सरप्लस पाया जाता है तो फिर क्या होता है, वो पैसा दूसरे मुल्क में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट इज इन्वेस्टेड इन अदर कंट्री ठीक है, और आप उसे पे करते हैं फिर फॉरेन करेंसीज के अंदर। जैसे फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल जिन मालिक में ट्रेड डेफिसिट पाया जाता है वो इनवाइट करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि कोई उनके मालिक में आके इन्वेस्ट करे तो उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पूरा हो सके, और यू बाय गोल्ड एग्जैक्टली। बट आपका नाम शो नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू कॉल यू बाय नेम, यू आर गिविंग वेरी गुड इनपुट्स बट इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना नाम डालें ताकि आई शुड बी रिकग्नाइजिंग एवरीबडी बाय नेम ठीक है। Like I can see name of all except two people. I recommend that put your name. Okay, Ehsan. Good, you have some good economic foundation and that's very good. जिन लोगों के conceptual clarity थोड़ी ज़्यादा है या strong है, I strongly recommend them कि वो conceptual debate किया करें WhatsApp group के ऊपर भी, ताकि दूसरे भी आपसे सीखें। Okay. So international payments, payment again that when the currency transfers across the boundaries of the countries, जब currency across boundary transfer करती है तो हम उसे कहते हैं कि हमने international payments की। ये देखें दो example हैं बड़ी छोटी छोटी। For example, पाकिस्तानी company जो है वो America से कुछ purchase करती है and they agree to pay them in US dollar। अब international payment कैसे होगी, पाकिस्तानी रुपी जो है वो dollar में convert किया जाएगा और पाक रुपीज जो है वो लोकल बैंक के थ्रू यूएस कंपनी को पे किए जाएंगे इन डॉलर्स ठीक है। तो दैट एक्सचेंज इज दैट ट्रांजेक्शन इज डॉलर टू रुपी टू डॉलर ट्रांजेक्शन, पाक रुपीज टू डॉलर ट्रांजेक्शन। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक जर्मन इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे अमेरिका में। अब जर्मनी की करेंसी यूरो है क्योंकि यूरोप यूरोपियन कंट्री है, यूरो चलता है वहां पे ठीक है। तो वो दो दो तरीके हैं, या तो वो यूएस की कंपनी से शेयर परचेज कर लेगा या फिर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जिन्हें ट्रेजरीज कहते हैं वो परचेज कर लेगा। दोनों केसेस में यूरो टू डॉलर ट्रांसफर होगा, तो ट्रांजेक्शन है यूरो टू डॉलर हो रही है ठीक है। आइडियल वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर ईच कंट्री वुड अचीव इक्वालिटी बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट्स। आइडियली थ्योरेटिकली नेवर हैपेंड प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली कंट्रीज जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अचीव कर लेंगी, इट मींस के नेट इनफ्लो एंड नेट आउटफ्लो जो है वो बराबर है, आपकी जो ना ट्रेड डेफिसिट है ना ट्रेड सरप्लस है। बट इट इज नॉट पॉसिबल रियलिटी में, आइडियल स्टेट इज नेवर अचीव्ड, ये कभी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने सिर्फ एक दफा शायद थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस शो किया था, वो भी किसके दौर में, अयूब जनरल अयूब खान के दौर में ठीक है, दैट वाज द एरा ऑफ जनरल अयूब खान। उसके बाद जब से ये डेमोक्रेसी का कीड़ा आया है पाकिस्तान में, हम हाँ मुशर्रफ के दौर में हमारा डेफिसिट बहुत कम हो गया था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुशर्रफ डेफिसिट वॉज एक्चुअली डिक्लाइंड काफी हद तक। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी उठाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की है ना
वो फौजियों के अंदर ही की है। जितने डैम्स बने हैं पाकिस्तान में, अब हम ये रो रहे हैं डैम्स डैम्स कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो डैम फंड इकट्ठे करते फिर रहे हैं। आखिरी डैम पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में बना था, तरबेला डैम, ठीक है, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ बेटा। वो आखिरी दौर जो डैम था वो तरबेला डैम वही बना था। एनी हाउ, तो ये खैर, ये तो फिर वो बहुत ही प्योर इकोनॉमिक डिबेट हो जाएगी। हम इकोनॉमी को बिजनेस के पर्सपेक्टिव में समझ रहे हैं। वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन द इकोनॉमी एज पर द कंटेंट ऑफ इकोनॉमी, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। ओके, सो कुछ कंट्रीज के पास सरप्लस रहेगा, कुछ के पास डेफिसिट रहेगा। जिन कंट्रीज के पास सरप्लस होगा वो हमेशा दूसरी कंट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करेंगी। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त दुनिया में लार्ज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है। इसकी इंपोर्ट्स कहीं ज़्यादा हैं इसकी एक्सपोर्ट्स से, तो ये ह्यूज डेफिसिट जो है इसको फिर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल चाइना, फॉर एग्जाम्पल चाइना करेगा, जिससे वो अपना ये ट्रेड डेफिसिट कम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, चाइना के पास जो कि सरप्लस बहुत मौजूद है, चाइना की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट्स बहुत कम है, तो चाइना इस सरप्लस को अपने घर तो नहीं रखेगा ना, चाइना इस सरप्लस का फ़ायदा उठाएगा और चाइना इसको इन्वेस्ट करेगा। लेट्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल दी है उसने, ऑब्वियसली वैसे ऐसा होता भी है। चाइना इज इन्वेस्टिंग अ लॉट इन अमेरिका इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग देयर शेयर्स ऑफ लोकल कंपनीज, और अब अमरीका की मजबूरी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स परचेज कर लेंगे, ठीक है, और बॉन्ड्स के मैच्योर होने पर फिर वो उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं वहां से हासिल कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन दिस लूप कैन नॉट गो इन्फिनिटली, ये लूप कभी भी इन्फिनिटली नहीं जा सकता, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस लार्ज डिसइक्विलिब्रियम इन इंटरनेशनल पेमेंट्स कैन नॉट गो इनडेफिनेटली। एक वक्त ऐसा आएगा जब पीपल एंड गवर्नमेंट इन अदर कंट्री विल डिसाइड टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन यूएस डॉलर कैपिटल एसेट्स, ठीक है, और जैसे ही कैपिटल फ्लो यूएस में गिरेगा उसकी फिर डेफिसिट बढ़ेगी, तो व्हाट दे नीड टू डू इज देन दे हैव टू स्टॉप इंपोर्टिंग गुड्स, उनको फिर अपनी इंपोर्ट्स रोकनी पड़ेंगी। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हम लोकल इंडस्ट्रीज को फ्लरिश नहीं होने देते, इंपोर्टेड गुड्स इतने हम इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ चाय पीना कम कर देना, आप सिर्फ अपनी डेली कंजम्पशन चाय की अगर हाउस होल्ड में एक एक इंडिविजुअल अगर 3 से 2 कप पे कर दे, दैट कैन सेव यू लॉट ऑफ मनी। चाय मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं श्रीलंका से, इंडिया से, आसाम से, यू कांट, इवन आई कांट, मोस्ट ऑफ अस कांट, ठीक। हाँ, ऑयल की एग्जांपल नहीं, देखिए कुछ तो है नेसेसिटीज, कुछ है लग्जरीज, ठीक है ना, तो टी इज नॉट अ नेसेसिटी, टी इज अ लग्जरी। हाँ, फौजियाँ नहीं बंद कर सकती चाय पीना, ठीक है। हाँ, बल्कि हम में से तो अक्सर लोगों के जब आप ड्रिप लगाएंगे ना तो खून की निकलने की बजाय चाय निकलेगी वहां से। अच्छा, लग्जरी आइटम्स देख लें, लग्जरी आइटम्स देख लें, गाड़ियाँ जितनी इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, या आपके आपने देखा होगा अपने घर से जब आप निकलते हैं हर तीसरी गाड़ी ऑडी चल रही होती है। स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन से याद है पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है महंगे स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करने में, पता है आपको? पाकिस्तान इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड, हाउ डू यू नो कि मेरे पास आईफोन 10 है? वेट अ मोमेंट, सर आपको कैसे पता कि यहाँ क्या है आईफोन 10? ओके, अच्छा, क्या बात है, दैट्स कॉल स्टॉकिंग, ओके ग्रेट। अच्छा, अनीसा का कमेंट पढ़ लें, मिसमैनेजमेंट भी है, एग्जैक्टली, देयर इज सो मच मिसमैनेजमेंट, ट्रू दैट, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल लोग कहेंगे जी जुल्म हो गया, ये नहीं देखेंगे यार लग्जरी आइटम्स जो है वो हम क्यों ना इस्तेमाल करनी बंद कर दें।
और देखें ना, जिस मुल्क का ब्रांड है अमेरिका, वहां पे आईफोन यूजर्स जो है वो कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जिस मुल्क का ब्रांड है आईफोन, वहां पे यूजर्स कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। एनीवे, ग्रेट, बट स्टिल दैट इज हाउ इट इज। ये चीजें तो ऐसी हैं फिर, एंड वी हैव टू जस्ट लिव विद इट, वी हैव टू जस्ट कोप विद इट। हमें इसी से, इसी के साथ हमें जीना है, इसी के साथ काम करना। सो इन थ्योरी दिस इक्विलिब्रियम इन इंटरनेशनल पेमेंट्स कुड बी रेक्टिफाइड बाय चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना, एक्सचेंज रेट्स। ये एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, जब किसी मुल्क ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी हो ना, तो वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। ये रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने का इजीएस्ट वे ये है। अगेन, अभी इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, आई एम जस्ट एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। वन ऑफ द फैक्टर जो कि इसका आफ्टर इफेक्ट है या इसका अदर फैक्टर है, वो ये है फिर कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बट अभी मैं बाकी फैक्टर्स को एज्यूम कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट, ठीक है। एग्जैक्टली, चाइना डिड इट रिसेंटली। बिल्कुल, चाइना ने अपना यौन काफी गिराया। एक्सपोर्ट्स को चीप करना है, इम्पोर्ट्स को एक्सपेंसिव करना है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो चीप होगा। आई एम सो हैप्पी यू हैव वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, वंडरफुल, शाबाश। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एज सून एज यू ट्राई टू कट डाउन योर इम्पोर्ट्स एंड यू ट्राई टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स, यू हैव टू रिड्यूस। नहीं, रुपी के चीपर होने के लिए तो और वजूहत है ना, वो तो थैंक्स टू साग डॉलर, सॉरी साग धार, कि उसने बड़ा सुपरफिशियली डॉलर को दुनिया को दिखाने के लिए, हमारी अकलमंद आवाम को दिखाने के लिए 100 पे मेंटेन रखा और कॉन्स्टेंटली इंजेक्शन करता रहा, उठा उठा के मार्केट से डॉलर पाकिस्तान में। दैट वॉज प्योरली आर्टिफिशियली बिल्ट। तो अब वो इतना वो बबल क्रिएट हो गया हुआ था कि उसमें बर्स्ट होना ही था, इट वाज एक्सपेक्टेड। बल्कि ये और ऊपर जाएगा, मैं जस्ट लेटिंग यू नो एंड टेलिंग यू कि ये डॉलर 150 को टच करेगा। अभी 130s में आ गया, मतलब 130, 132, 133 का आएगा, 134 का है मेरा ख्याल। तो इट विल गो अप टू 150, फिर वहां से वापस आएगा। तो ये जो बेड़ा गर्क किया ना इकोनॉमी का उस हमारे डार साहब ने, दैट इज जस्ट बिकॉज दैट आर्टिफिशियल मेंटेनेंस ऑफ द डॉलर अगेंस्ट द रुपी। सो जब वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट गिरती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं, तो एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाती हैं, बायर्स इन अदर कंट्री विल बाय फ्रॉम देम। तो जो दूसरे ममालिक से लोग हैं वो फिर आपसे परचेज करें, और इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो डोमेस्टिक बायर विल देयर फॉर बाय फ्यूअर प्रोडक्ट्स। इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, इम्पोर्ट डिस्करेज होंगी, तो एक्सपोर्ट्स विल गो अप, इम्पोर्ट्स विल गो डाउन, अल्टीमेटली योर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी इम्प्रूव्ड, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टू बी प्लेड विद द इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। एक्सचेंज रेट जो होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब अगर किसी मुल्क ने अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करना है, सॉरी, अपनी बैलेंस ऑफ ट्रेड पे काम करना है, तो दे शुड सी दैट वॉट कैन बी डन। एग्जैक्टली, ही वॉज एक्चुअली नॉट एन इकोनॉमिस्ट। आई डिडंट काउंट हिम एज एन इकोनॉमिस्ट। हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल करने में पिछली गवर्नमेंट में 99% रोल जो है वो हमारे फाइनेंस, ये इसका है, हिसाबदार का है, फाइनेंस मिनिस्टर का है। एनी हाउ, सो ये रोल है एक्सचेंज रेट्स का, ठीक। तो लेट्स कीप द डिबेट अप टिल हियर फॉर टुडे। आज की बहस को यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिव्यू कर लेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज में फिर, अच्छा कल लास्ट टाइम पे ही होगी, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट एट 140, 145, समवेयर अराउंड। कल मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी को रिव्यू कर लेंगे, मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स को देख लेंगे, और इंटरनेशनल। तो कल इंशाल्लाह हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक क्लोज करेंगे, ठीक है। अगेन देखें, ऐसा बहुत, देखिए ये सारे फैक्टर ना इंटरवोवन होते हैं, रिमेंबर दैट।
आप किसी एक चीज को आइसोलेशन में नहीं छेड़ सकते. लाइक यू कांट सिंपली से क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को गिरा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू गिरा देते हैं तो इससे हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर लेंगे. उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट पे भी आएगा, उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी आएगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी डिमांड पे भी आएगा. गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे के सारे हम एक्चुअली अभी हम ना मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली, पीपल विल डिमांड मोर लोन. लोग देखें, जब आप इम्पोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे तो क्या होगा, लोकल डिमांड बढ़ जाएगी. जब लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, मीन जब कंजम्पशन बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बैंक विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट्स. गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंटरवोवन है. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही भाई. हम अभी इन चीजों को पढ़ रहे हैं बिल्कुल आइसोलेशन में, वन बाय वन, एक एक करके देख रहे हैं. बट दैट इज नॉट एक्चुअली डज, मतलब इट हैपन, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता. चीजें बड़ी इंटरवोवन होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं. कल हम इंटरेस्ट रेट्स पे बात करेंगे तो यू वुड सी कि इंटरेस्ट रेट्स के अंदर चीजें कैसे मूव करती हैं, कैसे कम्प्यूट करती हैं. अभी आई कांट कमेंट ऑन दैट. अभी आई कैन नॉट कमेंट. ऐसे मैं उसे अच्छा कह दूं कल को, वो भी कुछ बड़ा सा फैसला करते हैं, अभी आई कांट कमेंट. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट डिबेटेबल राइट नाउ. खैर, एनी क्वेश्चन सो फार? चले. अच्छा मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे आप लोगों की ना डिबेट बड़ी कम होती है. जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन पुट मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट किया व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप एक्सपेक्टिंग कि आप इसके जवाब मुझे व्हाट्सएप पे देंगे. देखिए, लर्निंग जो होती है ना ये बड़ी ऑन द टोज होती है. रिमेंबर दैट लर्निंग सिर्फ माहौल बना के नहीं होती, कि मतलब पढ़ने की नीयत बनानी है, 3 घंटे लगाने हैं उस मोड में आने के लिए, फिर पढ़ने बैठना है. एक तो हमें पढ़ाई के मोड में आने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है. अनफॉर्चुनेटली वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इन टू दैट मोड. तो जब हमें उस मोड में आना है, व्हेन वी हैव टू कम टू दैट मोड, हाँ मुश्किल से बनता है ना. इसलिए मैं कहता हूँ कि लर्निंग ऑन द टूल होनी चाहिए. और बीइंग वर्चुअल स्टूडेंट्स, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप क्या कर सकते हैं, फिर आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, व्हाट्सएप पे आए, अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट करें. ठीक है, मैं इसलिए जानबूझ के ना वो आपको छेड़ने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुट करता रहता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, जस्ट टू इंस्टिगेट यू पीपल, जस्ट टू यू नो गिव यू अ फूड फॉर थॉट. तो फूड फॉर थॉट का भी फायदा उठा लिया करें थोड़ा सा, और एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट किया करें. मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे. ठीक है, सो व्हेन यू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे कनेक्टेड विद द फैकल्टी एंड विद योर पीयर्स 24/7, देन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दैट. फिजिकल क्लास से आप लोगों की क्लास इसलिए भी मुख्तलिफ है कि आप लोग जो हैं वो 24/7 कनेक्टेड हैं अपने दोस्तों के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ. एंड दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, दैट इज समथिंग वेरी गुड इन फैक्ट. ठीक है, तो इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि फ्यू पीपल हैव रिसेंटली ज्वाइंड, तो जस्ट एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड टू दोस्त जो अभी नए नए आए हैं और जिनको अभी ऑनलाइन का उस तरह से मोड का पता भी नहीं है, और जो थोड़े पुराने घाघ हो चुके हैं ऑनलाइन सिस्टम के, जो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल हैं सिस्टम पे. तो दे कैन ऑलवेज एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू दोस्त हु हैव जस्ट जॉइन दिस सिस्टम. जैसे रिसेंटली ज़ायबा ने ज्वाइन किया है, और इसके अलावा निखार और अर्शुमन मलिक ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं. अर्शुमन बेटा आप क्वेश्चन भी नहीं करते, खामोशी से सुनते हैं. आई होप दैट यू आर देयर. असलम इज एक्टिव, फौजिया इज वेरी एक्टिव, मुनाहिल इज एक्टिव, लारेब इज एक्टिव, फहीम साहब एक्टिव हैं, सदा सना रूज खामोश बैठी रहती हैं, बातें नहीं करती, शुड डू दैट. शहबाज खान दादा साहब हैं, तला खान हैं. तो आई रिकमेंड यू पीपल टू गेट कनेक्टेड, लेजॉन बनाया करें आपस में ना, क्योंकि कल कोई आपके ही वो जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने आपके काम आना है. ठीक है, और ये अगेन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द प्लेटफॉर्म यू आर बीइंग गिवन विद, ताकि आप उससे भी लर्न करें, अपनी किताब से भी सीखें, फैकल्टी से भी सीखें. लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट विल नेवर एंड, अंडरस्टूड है, ये कभी खत्म नहीं होने लगा. ठीक है, इट विल ऑलवेज गो अलॉन्ग. सो आई एम ऑलवेज वेलकम एंड आई एम ऑलवेज विलिंग टू एड्रेस टू द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेनेवर दे पुट इट, प्रोवाइडेड के इंसानों वाले टाइम पे पुट की जाए. ठीक
3 बजे व्हाट्सएप करके एक्सपेक्ट करें कि मैं उस वक्त जवाब दूंगा, सो दैट माइट नॉट बी पॉसिबल. एनी हाउ, सो लेट्स स्टार्ट इट टुमारो देन. बाकी फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब. मैंने जो 3-4 क्वेश्चंस पुट किए थे, आई वुड रिकमेंड कि उसमें आप जो क्विक हैंडी क्वेश्चन है ना, उसमें जैसे कुछ सिचुएशंस दी गई और एक एक वर्ड का आंसर है, वो हैंडी क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप पे जरा डालें ना, डिबेट में लेके आए उसको. ठीक है, चलें, सी यू अराउंड देन. कल इंशाल्लाह मिलते हैं अपने टाइम पे. अल्लाह हाफिज़ बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.